नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई इतनी सारी बरसात के बाद आज सुबह सुबह धूप खिली है और ये देखो गार्डन की रंगत कितनी अच्छी हो रही है और ये कितने अच्छे लग रहे हैं प्लांट अब धूप निकलने के बाद। लेकिन दोस्तों जो आज का प्लांट है वो हमारा इतना सुंदर है और वो हम सब के गार्डन में होना चाहिए। उसका ग्रोइंग मेथड भी मैं बताऊंगी आपको और ग्रो होने के बाद वो लगा के भी दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं उस प्लांट की तरफ, उस खूबसूरत से पत्तियों वाले प्लांट की तरफ इनको देखते हुए। और बिल्कुल दोस्तों, जब बरसात के बाद धूप निकलती है तो प्लांट्स वैसे ही सुंदर लगते हैं, है ना। और रात को भी खूब बरसात हुई और अब सुबह सुबह इतनी अच्छी अच्छी धूप निकली हुई है। तो ये प्लांट देखो भी एकालीफा बोलते हैं इसको, खलीफा बोल देते हैं, कॉपर लीफ प्लांट बोल देते हैं। और दोस्तों इसकी पत्तियां इतनी सुंदर होती हैं कि बस देखते ही मजा आ जाता है। और पीछे मैंने इसकी प्रूनिंग की थी इस प्लांट की, और जो भी मुझे स्टेम्स इसकी लगाने लायक लगी थी तो उनको मैंने ग्रो भी किया था और वो ग्रो हुई वाली भी आपको दिखाऊंगी और उसको ट्रांसप्लांट करके भी दिखाऊंगी। तो भाई मुझे तो करना था ट्रांसप्लांट क्योंकि ये सारे गमलों में अच्छा बरसात का पानी भर चुका था और इसकी जो कटिंग है वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों जहां मैंने इसकी कटिंग ग्रो की थी वो बड़ा मॉइस्ट सा एरिया था और वहां पे इतनी जगह भी नहीं है। और ये दोस्तों एवरग्रीन प्लांट है, इसको पूरा का पूरा गमला चाहिए बड़े वाला अपने आप को ग्रो करने के लिए। ये देखो मैंने भी किसी गमले में नहीं ग्रो कर रखा ये, मेरी एक बकेट का ना हैंडल टूट गया था, बड़ी सी बकेट थी और फिर मैंने उसमें नीचे ड्रेनेज होल करके ये वाला प्लांट लगा दिया था। और पहले मेरा ये लगा हुआ था मिट्टी के गमले में, तो उसमें ये बहुत ज्यादा ओवर ग्रो कर रहा था, इसकी रूट बाउंड हो रही थी। फिर मुझे लग रहा था कोई बड़ी सी चीज दूं, तो उस टाइम मेरे पास एक ये बाल्टी खाली थी तो फिर मैंने इसको इसमें लगा दी और इसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है ये। और फिर ये और भी ज्यादा बड़ा हो गया था, इधर उधर फैलने लग गया था। फिर मैंने इसकी कटाई छटाई की ताकि ये नीचे से अच्छा सा बिल्कुल डेंस लगे और इसकी शेप बहुत सुंदर आ जाए। तो अब ये देखिए सारी नई नई पत्तियां इसकी कटिंग के बाद, और जो हमारी कटिंग थी वो भी चल पड़ी है, उसको भी हम लगा लेंगे क्योंकि बढ़िया बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है, बढ़िया बढ़िया। तो उसको भी लगाना है क्योंकि वो छोटी सी जगह में तो देखो उगने से रही है ना। एवरग्रीन प्लांट है ये, और जितने भी दोस्तों मैं जान जान के बात बोल रही हूँ एवरग्रीन प्लांट होते हैं उनको स्पेस की ज्यादा जरूरत होती है, सूरज की रोशनी की भी, पानी की भी, मतलब हर चीज उन्हें बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए। और मिट्टी भी उन्हें ऐसी चाहिए जिसमें कि पानी थोड़ी देर रुके, ये ना कि पानी एकदम से आपने डाला और रूट्स को टच करते हुए निकल गया, नहीं थोड़ी देर उसमें पानी रुकना चाहिए। हाँ इतनी हार्ड मिट्टी तो किसी पौधे की नहीं होनी चाहिए कि रूट्स ही ना बने, लेकिन हाँ इसमें जो एवरग्रीन प्लांट होते हैं उनमें रिवर सैंड थोड़ी मिलाई जाती है। तो ये है भाई अपनी चलती हुई कटिंग तैयार। ये आप देख लो मैंने मनी प्लांट जो हमारे मॉइस्ट वाले एरिया में रखे हुए हैं, शेड में रखे हुए हैं, वहां मैंने इसकी कटिंग ग्रो की थी और वो अच्छे से ग्रो हो चुकी है और काफी सारी ग्रो हो चुकी है ये। तो अब इसको निकालना बनता है क्योंकि यहाँ तो इसको जगह मिल नहीं रही, मनी प्लांट ने सारा जगह घेर रखी है। तो इसको अब निकाल लेंगे और दूसरी जगह लगाएंगे। और दोस्तों यही है इसकी कटिंग लगाने का मेथड। तो वैसे आप नर्सरी में लोगे ना इन प्लांट्स को, इतने कॉस्टली मिलेंगे आपको, और अगर आपको एक बार कटिंग लगानी आ गई ना मजा आ जाएगा। कटिंग लगाने के बाद आप इतने कॉस्टली कॉस्टली प्लांट अपने घर में बड़े आराम से तैयार कर लोगे और इतना सुंदर गार्डन तैयार कर लोगे आप। मैं तो दोस्तों इतनी कटिंग लगाती हूँ और हमारे यहाँ तो बंदर भी इतने आते हैं, इतनी खराब कर करके जाते हैं। अदरवाइज अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम नहीं है ना, आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बड़ा गार्डन तैयार कर लोगे। आसपास में आपके कितने ज्यादा पौधे होते हैं कि आप उनकी कटिंग ला के ग्रो कर सकते हो, है ना। तो इतने अच्छे अच्छे पौधे आप बड़े आराम से ग्रो कर सकते हो। और चलो एक आध बार नर्सरी से ले भी आओ, लेकिन फिर उसको अपने आप से घर में मल्टीप्लाई करने की कोशिश किया करो जो आपका पसंदीदा प्लांट है। क्योंकि मुझे प्लांट पसंद है, मुझे इसकी पत्तियां बहुत सुंदर लगती हैं और आपको भी अच्छी लगती होंगी, है ना। शायद आपके पास ना हो ये प्लांट, लेकिन अब पत्तियों से आप देखो कितना सुंदर प्लांट है, ये हार्डी प्लांट है और ये देखो कितनी अच्छी रूट्स बन गई है इस कटिंग में। ये देखो अब निकालने लायक हो गया था ना, ये देखो कितनी मोटी मोटी रूट्स बन गई है अब इसकी कटिंग की। और कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी प्रूनिंग की थी और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था कटिंग लगाने का, और ये देखो हमारी कटिंग कितनी अच्छे से तैयार हो गई है। तो ऐसा ही एरिया आपने चुनना है जो बिगिनर लोग हैं, जो देखो एक्सपर्ट हो गए हैं वो तो कहाँ कहीं मर्जी लगा लो, लेकिन जो बिगिनर होते हैं ना हमेशा छुपा के कटिंग लगाया करो।
चाहे बिगिनर हो चाहे कोई भी हो, जिनको कटिंग लगानी आती है ना, वो हमेशा छुपा के ही कटिंग लगाते हैं और हमेशा ऐसे एरिया में कटिंग लगाते हैं जहां मॉइस्चर बना रहे, बार बार उनको पानी देने की जरूरत ना पड़े। अब ये मट्टी का गमला नहीं है, ये प्लास्टिक का गमला था, इसमें मनी प्लांट लगा हुआ है, मॉइस्चर हमेशा बना रहता है इसमें और छुपा हुआ सा एरिया है ये। तो ये देखो अपनी कटिंग कितनी अच्छे से तैयार हो गई है, और मैंने इसको कभी देखा भी नहीं, और जब मैं मूव स्टिक लगा रही थी तब मुझे दिखाई दिया कि अरे ये तो हमारी कटिंग ग्रो चुकी है कितनी अच्छी। तो अब जैसे कि कई दिन से बरसात चल रही है, मौसम भी अच्छा हो रहा है और अभी भी बादल आए हुए हैं, भले ही धूप निकली हुई है खिली खिली जैसे बारिश के बाद निकलती है। तो ये देखो इसमें पहले पेटूनियाज वगैरह लगे हुए थे, वो मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि अब बिल्कुल ही वो खराब हो गए थे भाई, अब तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल बाय बाय कर रहे थे कि अब हमें निकाल दो। तो अब इसमें हम लगा लेते हैं ये वाली कटिंग, और इसको जैसा कि मैंने बताया एक बिल्कुल अलग से गमला चाहिए क्योंकि दोस्तों बहुत हैवी प्लांट बन जाता है ये। और इसको अगर आप वैसे भी अपने गार्डन में लगाते हो ना, अगर आपकी क्यारी वगैरह है तो भी बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बड़े सुंदर से पत्तियों वाला एक मनी प्लांट हो और इतना हार्डी, और इसकी पत्तियां ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, एक पत्ती का कोई डिजाइन होगा, दूसरी का कोई, जो नई नई निकलेंगी उनका कॉपर शेड होगा। और इसको बस आपने ऐसी जगह रखना है जो कि मैं बात करते हुए बताई देती हूँ कि जिसको कि पार्शियल सनलाइट मिले, जैसे कि आपने मेरे प्लांट्स के साथ देखा और बड़े बड़े प्लांट्स के बीच में वो छुपा हुआ है और थोड़ा कॉर्नर से भी रखा हुआ है, बहुत हल्की छनी हुई सी धूप आती है, ऐसे ही आपने इसको रखना है। ज्यादा तेज धूप में इसकी पत्तियां खराब हो जाएंगी और कम धूप में इसकी पत्तियों का कलर अच्छा नहीं आएगा, तो आपने ऐसा रखना है इसको कि छनी हुई धूप मिले इसको। और ये देखो मैं इसको देखो कैसे रख रही हूं, देखा आपने, ताकि इसकी रूट भी डिस्टर्ब ना हो और इसकी रूट ऐसे फैले मट्टी में, ये नहीं कि एक ही जगह जाके रुक जाए, तो इधर उधर मतलब फैलाना है रूट्स को भी, ताकि मट्टी में जल्दी से वो अपनी जगह बनाए और इस मट्टी के मुताबिक वो अपने आप को फैलाना शुरू कर दें, ताकि हमारा प्लांट और अच्छे से ग्रो। और ये देखो कितनी गिल्ली मिट्टी हो रही है इसकी, क्योंकि बता रही हूं मैं कल भी बहुत बरसात हुई, परसों भी हुई, तीन चार दिन से तो भाई बहुत बढ़िया बरसात हो रही है, कल तो सारी रात ही बारिश होती रही है, खूब बादल गरज रहे थे, खूब घटा हो रही थी और खूब बारिश की आवाज आ रही थी, और अब सुबह अच्छी सी धूप निकल आई तो हम भी ये छोटा सा काम कर लेते हैं अपना। तो अच्छे अच्छे प्लांट्स को जरूर कटिंग से लगाने की कोशिश किया करो, बहुत आराम से उग जाते हैं अगर आप पेशेंस रखोगे। एक दो बार खराब हो जाती है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सबकी होती है, हमारी भी हुई थी जब शुरू शुरू में लगाते थे ना, कि अब तक कितनी कितनी कटिंग खराब करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लगनी शुरू हुई, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ और फिर लगाते 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 थोड़ा थोड़ा हाथ साफ होना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं होता चाहे कोई कितना एक्सपर्ट हो भाई, कटिंग की कोई श्योरिटी नहीं होती, बस यही कहा जाता है कि हमने अपनी तरफ से अच्छे से चला दी, आगे भी परमात्मा जाने चलेगी तो चलेगी, लेकिन आप पांच लगाओगे उसमें से दो तो चलेंगी चलेंगी ना, कुछ ना कुछ तो होगा अगर कुछ करोगे तो। अगर कुछ करोगे ही नहीं यही सोच के कि हमारी तो चलेगी नहीं, बस छुट्टी है ना, तो लगाते रहोगे तो चलना शुरू हो जाएगी। ये देखो कितनी अच्छी कटिंग चल रही है ये, है ना, ये देखो कितनी नई नई पत्तियां निकल रही हैं इसमें, और हमने इसे अब इतने अच्छे मौसम में ट्रांसप्लांट भी कर दिया। और ये देखो नया पौधा कितना सुंदर तैयार होगा, 250-300 के बगैर मेरी नर्सरी में ये मिलेगा नहीं, जहां की बहुत कम कॉस्ट पे प्लांट मिलते हैं, आपके यहाँ तो 500 से कम नहीं मिलेगा ये। और ये देखो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हो गया अपना, उधर उसकी भी प्रूनिंग होगी, वो भी सुंदर होता जा रहा है, इधर हमारी कटिंगें भी ग्रो होगी, है ना, कितने अच्छे अच्छे प्लांट तैयार हो गए। और मेरे यहाँ तो सच्ची बंदर ना हो ना, मैं तो सारा घर भर दूं पौधों से, कई बार तो इतना नुकसान करके जाते हैं वो, गमला भी तोड़ जाएंगे, पौधे भी उखाड़ जाएंगे, बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन फिर भी एक जोश है पौधे लगाने का, है ना, कौन सा कमी आ गई, हमारे लगाने में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो भी ऐसा बन जाएगा आपका ये पौधा कटिंग ग्रो करने के बाद, कितना सुंदर कितना प्यारा, और देखो हर पत्ती का कलर अलग है एक दूसरे से, है ना, कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये इसकी प्रूनिंग भी होगी, अब ये अच्छा अच्छा भी हो गया, और ये बहुत सुंदर प्लांट है, आपको जरूर लगाना चाहिए घर में ये, और पौधों के बीच में अगर ये रखा हुआ होता है तो बहुत सुंदर लगता है। और इस तरीके से भी इसकी कटिंग लगाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, ट्रांसप्लांट करके दिखा दिया, और
ये मेरा लगा हुआ है पौधा, आप देख लो कितना प्यारा लग रहा है ये, तो आपको जरूर लगाना चाहिए। और किसी भी कटिंग का दोस्तों कोई मौसम नहीं होता, ज्यादा गर्मी होती ना तब हम थोड़ा सा डर जाते हैं, तब रुक जाओ। वैसे सारा साल आप कटिंग लगा सकते हो अगर आप उसको एप्रोप्रिएट मौसम दे दो। कोई हम खेत में तो देखो लगा नहीं रहे खुले में, है ना, कटिंग लगानी है साइड में रख दो उठा के। तो ये देखो सारा गार्डन कितना सुंदर हो गया धूप निकलने के बाद, सारी रात भीगे होंगे बरसात में, अब चैन मिली होगी इनको भी। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लांट भी आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे बताना आपको ये प्लांट कैसा लगता है, आपके पास है या नहीं है, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि आप किस तरह से वीडियो देखते हो। तो बस दोस्तों इसी तरह से पेड़ पौधे लगाते रहो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।